ठीक है। अस्याम कक्षायाम सर्वेषां कृते सुस्वागतम। भो छात्रा ध्यानेन संस्कृत पाठम पठनीया। इत्यत्र प्रत्ययाः सन्ति, ठक् प्रत्ययः, त्व प्रत्ययः, तल प्रत्ययः, सत्री प्रत्ययः, सानच प्रत्ययः। सर्वप्रथमं ध्यानेन पश्य ठक् प्रत्ययः इत्यत्र पुलिंगे इक, पुलिंगे इक, स्त्रीलिंगे इकी, नपुंसकलिंगे इकम्। दार्शनिकः दार्शनिकः इत्यत्र पुलिंगे प्रयुक्ता, दार्शनिकः पुलिंगे प्रयुक्ता, दार्शनिकी स्त्रीलिंगे प्रयुक्ता, दार्शनिकम नपुंसकलिंगे प्रयुक्तम्। दार्शनिकः बालकवत्, दार्शनिकी नदीवत्, दार्शनिकम इकम नपुंसकलिंगे फलवत् रूपम चलिष्यन्ति। वार्षिका वार्षिकी वार्षिकम, पाक्षिका पाक्षिकी पाक्षिकम, पाक्षिका पुलिंगे प्रयुक्ता, पाक्षिका पाक्षिका पुलिंगे ठक् प्रत्यय, पाक्षिका पाक्षिकी पाक्षिकम। वार्षिका वार्षिकी वार्षिकम इत्यादि बहुनी उदाहरणानि सन्ति। त्व प्रत्यय शेष त्वम, त्व प्रत्यय शेष त्वम भवति, यथा गुरुत्वम, लघुत्वम, पटुत्वम, ऋजुत्वम, पशुत्वम, मुढत्वम इत्यादयः। त्व प्रत्यय त्वम, त्वम से अंत में लास्ट में यहां पर त्वम जहां पर हम देखेंगे वहां पर त्व प्रत्यय होगा। पशुत्वम आप देखिए यहां त्वम, त्वम बचेगा वहां त्व प्रत्यय होगा। तल प्रत्यय स्त्रीलिंग बनाने के लिए करते हैं इसका प्रयोग। तल प्रत्यय जनता, जनानां समूह जनता, जनता शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है। जनानां समूह लोगों का समूह, जहां भीड़ भाड़ होती है जनता। जहां ता शेष बचेगा वहां तल प्रत्यय होगा। पशुता मूर्खता, विद्वता, विनम्रता, सरलता इत्यादि बहुने उदाहरणानि भवन्ति तल प्रत्यय। सत्री प्रत्यय, सत्री प्रत्यय पुलिंगे अन, पुलिंगे अन, स्त्रीलिंगे अंति, नपुंसक लिंगे अत। गच्छन बालकः हसति, जाता हुआ लड़का हंसता है। गच्छन बालकः, गच्छन्ति बाला, गच्छत यानम, यानम नपुंसक लिंगे प्रयुक्तम, यानम नपुंसक लिंगे प्रयुक्तम। भो छात्राः मार्गे गच्छत यानम ध्यानेन पश्य। हे छात्र मार्ग में जाते हुए, सड़क पर जाते हुए यान को ध्यान से देखो। मानम एक बचने नपुंसक लिंगे, माना गच्छत यानम तो अन अंति अत। अभी हम लोग सत्री प्रत्यय ही विचार कर रहे हैं। सत्री प्रत्यय अन अंति अत, अन पुलिंग के लिए आएगा, अंति एक स्त्रीलिंग के लिए आएगा और अत नपुंसक के लिए आएगा। गच्छन गच्छन्ति गच्छत, पठन पठन्ति पठत, धावन धावन्ति धावत इत्यादि बहुनी उदाहरणानि भवन्ति। सांस प्रत्यय पुलिंगे मानः, जहां शेष मान बचेगा वह पुलिंग होगा। सेव मानः कंप मानः, लभ मानः प्राप्त करता हुआ, लभ धातु है, लभ का अर्थ होता है प्राप्त करना। सेव मानः सेवा करता हुआ, लभ मानः प्राप्त करता हुआ। कुर्बानः कुर्बानः में भी सारज प्रत्यय ही है। कुर्बानः 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 कुर्बानम। लभमानः लभमानः लभमानम। सेवमानः सेवमानः सेवमानम। मानः पुलिंगे प्रयुक्तः सारज प्रत्यय, माना स्त्रीलिंगे प्रयुक्तः, मानम नपुंसक लिंगे प्रयुक्तम। मानः पुलिंगे बालकवत्, बालका बालकौ बालका, मानः सेवमानः सेवमानौ सेवमानः। माना लतावत, लता लते लता,
सेवमाना सेवमाने सेवमाना है। मानम नपुंसक लिंगे परुक्तम एक वचने सेवमानम यथा फलम फले फलानी फलम फले फलानी सेवमानम सेवमाने सेवमानानी लहमानानी कंपमानानी वो छात्रा वृक्षे ध्यानेन पश्यत तत्र बहुनी हरितानी पत्राणी तत्र बहुनी हरितानी पत्राणी कंपमानानी दृश्यन्ते। ये छात्रगण ध्यान से आप वृक्ष पर देखें जो हरे पत्ते हैं वे कांपते हुए नजर आते हैं। कंपमानानी पत्राणी कंपमानम कंपमाने कंपमानानी कंपमानम स्त्रीलिंगे कंपमाने द्विवचनान्ते कंपमाने पत्रे द्वे पत्रे पत्रे नपुंसक लिंगे परुक्ता द्वे पत्रे कंपमानम पत्रम कंपमानानी पत्राणी कांपते हुए बहुत से पत्ते पत्राणी बहुवचनान्ते नपुंसक लिंगे इत्थं इति प्रत्याह सन्ति ठक् प्रत्याह पुनरावृत्ति संप्रति पुनरावृत्ति ठक् प्रत्याह ठक् प्रत्यय ठक् प्रत्यय का शेष पुलिंग के लिए ईक आता है स्त्रीलिंग के लिए ईक ही आएगा नपुंसक के लिए ईकम बचेगा। दार्शनिक दार्शनिकी दार्शनिकम पाक्षिक पाक्षिकी पाक्षिकम वार्षिक वार्षिकी वार्षिकम अस्माकं वार्षिकी परीक्षा परीक्षा स्त्रीलिंगे प्रयुक्ता तस्मात् कारणात् अत्र वार्षिकी परीक्षा भविष्यति वार्षिकी परीक्षा उचितम वार्षिक परीक्षा अशुद्धम वार्षिकी परीक्षा परीक्षा स्त्रीलिंगे तस्मात् कारणात् वार्षिकी परीक्षा एव उचितम वार्षिकी परीक्षा भविष्यति तो वार्षिकी स्त्रीलिंगे वार्षिकम वार्षिकम कार्यक्रम एतत् कार्यक्रमम वार्षिकम अस्ति यह कार्यक्रम वार्षिक है वार्षिक कार्यक्रमम नपुंसक लिंगे परुक्तम वार्षिक कार्यक्रम वार्षिक कार्यक्रम वार्षिक पुलिंगे वार्षिकी स्त्रीलिंगे वार्षिकम नपुंसक लिंगे तल प्रत्यय स्त्रीलिंगे ता तल प्रत्यय में शेष ता बचता है स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम तल प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जनता मूढ़ता वक्रता रिजुता सरलता विनम्रता इत्यादय पशुता पशुता स्त्रीलिंग शब्द है पशुता विनम्रता इत्यादि बहुनी उदाहरणानि भवन्ति। तल पशुता इत्यादय अत्र सत्री प्रत्यय परस्मैपदी परस्मैपदी देखिए तीन प्रकार की धातुएं होती हैं तीन प्रकार की धातुएं होती हैं परस्मैपदी परस्मै परस्मैपदी परस्मै परस्मैपदी आत्मनेपदी आत्मनेपदी उभयपदी उभयपदी तीन प्रकार की धातुएं होती हैं। धातु आप समझते हैं धातु किसे कहते हैं क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। जैसे गच्छति गच्छति का मूल धातु गम हुआ गम का अर्थ होता है जाना गच्छति गच्छता गच्छन्ते क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। हिंदी में धातु का जो हम प्रयोग करते हैं धातु धातु स्त्रीलिंग शब्द है इसका रूप साधु पर चलेगा साधु साधु साधव धातु धातु धातव बहुवा धातव बहुत सी धातुएं वह हिंदी में स्त्रीलिंग में आ जाता है। अब देखिए तो परस्मैपदी तीतहंते सीतात आमी आवामा ये परस्मैपदी है जैसे गच्छति गच्छता गच्छन्ति तीतहंते सीतात आमी आवामा ये परस्मैपदी है। इसका प्रयोग एक्टिव वॉइस के लिए किया जाता है कर्तृवाची के लिए आपको वाची भी पढ़ना है सिर्फ प्रेजेंट टेंस में लट लकार में पढ़ना है तो परस्मैपदी में इसका प्रयोग करते हैं। और आत्मनेपदी आत्मनेपदी का प्रयोग जैसे पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते गम्यते गम्यते गम्यन्ते इत्यादि
पैसिव वॉयस बनाने के लिए, कर्मवाच्य अथवा भाववाच्य बनाने के लिए हम आत्मनेपदी का प्रयोग करते हैं। आत्मनेपदी क्या है, आत्मनेपदी कैसे बनता है, आपको बताया गया है पहले, आप जानते भी हैं। आत्मनेपदी क्रिया की मूल धातु में यक प्रत्यय जोड़ करके हम आत्मनेपदी बनाते हैं। जैसे मिटाने वाला सर मिटाते हैं, आत्मनेपदी आप कैसे बनाते हैं उसकी चर्चा करते हैं। हाँ, इसका प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में किया जाता है।